सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो ज्यादातर लोग दूसरों की बातों को सुनकर अपने आप को हीन समझने लगते हैं और यहीं से वो अपनी खुशी को खो देते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप एक सुबह बहुत खुश मिजाज के साथ सोकर उठे और आपके किसी दोस्त ने फोन करके आपसे कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मैं बहुत खुश हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मेरा दोस्त है। मुझे सभी लोगों को बताकर बहुत गर्व महसूस होता है कि तुम मेरे दोस्त हो, और वो ये सब बातें ईमानदारी से आपसे कहता है। अब आप बताएं, ऐसी बातें सुनकर आप कैसा महसूस करेंगे? किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत पसंद आएंगी और जाहिर सी बात है आपको भी अच्छा लगा होगा। बट इमेजिन करें कि आप उसके अगले सुबह बहुत खुश मिजाज के साथ सोकर उठे और आपके किसी दोस्त ने फोन करके आपसे कहा, तुम सबसे बेकार आदमी हो, मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहने में बहुत शर्म आती है और तुम इस दुनिया के सबसे घटिया इंसान हो और मैं आज अपनी दोस्ती हमेशा के लिए तुमसे खत्म करता हूँ, और ऐसा कहकर वो फोन रख देता है। अब आप बताएं, किसी भी व्यक्ति को ऐसी बातें बहुत बुरी लगेंगी और जाहिर सी बात है आपको भी बहुत बुरा लगेगा। अब दोनों दिन की घटनाओं को कंपेयर करें और देखें कि हम अपनी लाइफ में कैसे खुश और दुखी होते हैं। जब पहले दिन आपकी तारीफ की गई और आपको सबसे अच्छा आदमी बताया गया, उस दिन आपने बहुत अच्छा महसूस किया, आपका पूरा दिन अच्छा गया और आप उस दिन खुशी में झूम रहे थे, और अगले ही दिन जब आपसे यह कहा गया कि आप एक घटिया इंसान हैं, तो आपको बहुत बुरा महसूस हुआ, आप बहुत दुखी हुए और आपका पूरा दिन इसी खराब फीलिंग की वजह से बुरा गया। अब जरा ध्यान से सोचिए, आपके खुश और दुखी होने पर आपकी लाइफ का कंट्रोल कौन कर रहा है? यकीनन वही इंसान जिसने आपसे ऐसी बातें कही थी। तो क्या आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारना पसंद करेंगे? क्योंकि लाइफ के हर मोड़ में आपको ऐसे एग्जाम्पल ही मिलेंगे। यह है बाहरी असर जिसे हम अपने अंदर महसूस करते हैं, लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ बाहरी दबाव है। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो हम क्या करें? जब उस आदमी के पास फोन आया और उसे एक अच्छा व्यक्ति कहा गया, तो सुनने में यह बातें उसे बहुत अच्छी लगी, लेकिन अगर सामने वाला आदमी फोन पर उसकी तारीफ नहीं भी करता है, तो क्या वो अपनी नजरों में एक अच्छा इंसान नहीं है? यदि अगले दिन उसकी बुराई की गई, उसके शब्द भले ही उसे बुरे लगे हों, लेकिन वो आपके अंदर कभी भी छोटेपन का एहसास पैदा नहीं करा सकते, क्योंकि आप अभी अपनी नजरों में एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आप अंदरूनी प्रेरणा से चलने वाला व्यक्ति बनिए। एलिनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आपकी इजाजत के बगैर आपको कोई भी बुरा नहीं कह सकता, आपको कोई भी हीन या छोटा महसूस नहीं करा सकता। आपको ऐसा इंसान बनना है जो खुद की नजरों में उठा हुआ होना चाहिए। जब आप खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता है और ना ही दुखी कर सकता है। खुश होना और दुखी होना दोनों का कंट्रोल आपके अंदर ही है, इसलिए दूसरों को अपनी लाइफ का कंट्रोल मत दीजिए। कोई कुछ भी कहे, आप अपने अंदर से खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप कि आपको ये स्टोरी मोटिवेट करे। एक बार एक साधु महात्मा कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला और जोर जोर से उन्हें गालियां देने लगा। साधु के सभी शिष्य गुस्से से आग बबूला हो रहे थे, लेकिन साधु महात्मा बिना कुछ बात किए आगे बढ़े चले जा रहे थे। जैसे जैसे साधु आगे की तरफ अपने कदम बढ़ाते, वैसे वो आदमी उन्हें गालियां देने लगता। इस बार उस व्यक्ति ने साधु से कहा, मुझे बताओ, अगर किसी की दी हुई चीज हम ना लेना चाहें तो वह चीज किसके पास रह जाएगी? उस आदमी ने कहा कि वह चीज तो देने वाले के पास ही रह जाएगी। इस बार साधु ने कहा, तुम ये जो गालियां दे रहे हो, इस देन को लेने से मैं इनकार करता हूँ। ऐसा कहकर साधु वहां से आगे बढ़ गए और वह आदमी सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और पछताने लगा। साधु महात्मा का खुद पर अंदरूनी कंट्रोल था और इसी अंदरूनी प्रेरणा के कारण उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, जब आप भी दुखी हों या परेशान हों, गुस्सा हों, तब उसी वक्त खुद से ये क्वेश्चन करें कि आप दुखी क्यों हैं, आप नाराज क्यों हैं, आप गुस्से में क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं। खुद से ऐसे प्रश्न करने से
आप इन्हें काबू पाने के तरीकों के बारे में समझने लगते हैं। आपको अपनी समस्याओं से संबंधित उपाय सूझने लगते हैं। खुशी हमारी एक अंदरूनी प्रेरणा है। हम सभी को इसे अपने अंदर खोजना चाहिए। जिस प्रकार एक कस्तूरी हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि वह सुगंध उसे उसकी ही अपनी नाभि में व्याप्त कस्तूरी से मिल रही होती है, लेकिन वह जान नहीं पाता। ऐसे ही खुशी हमारे अंदर है और हम इसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब कुछ होने के बाद भी आप खुश हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं, फिर भी आप हमेशा खुश रह सकते हैं। खुशी एक तितली की तरह है, इसके पीछे जितना दौड़ोगे वो उतनी ही तेजी से आगे उड़ते चले जाएगी। तो बेहतर होगा कि आप एक जगह पर चुपचाप खड़े हो जाएं और वही तितली आपके कंधे पर खुद ब खुद आकर बैठ जाएगी। तो दोस्तों, जिस दिन आप खुश रहने का फैसला कर लेंगे, उस दिन आप दुखी नहीं होंगे। खुशी को अंदर से महसूस कीजिए। अपनी हर परिस्थिति का भरपूर आनंद उठाइए। छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाशिए। इस बात को हमेशा याद रखिए कि समय कभी एक जैसा नहीं होता। लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, पर ये भी हमारी लाइफ का एक बड़ा पार्ट है। तो दोस्तों, हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।